आलू पोस्तो बंगाल की एक फेमस डिश है। इसे बंगाल के लोग चावल के साथ लेना पसंद करते हैं। वैसे आप चाहें तो इसे रोटी और पूरी के साथ भी ले सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी सब्जी बनती है। आप इसे बनाकर देखिए मेरी रेसिपी को। नमस्ते दोस्तों, नीता के अमेजिंग किचन में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में कैसे बनाती हूँ जो आपको बताती हूँ, और इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं वे आपको दिखा रही हूँ। आलू पोस्तो बनाने के लिए हमने लिया आधा किलो आलू। ये बॉयल आलू है, इसको हमने छील लिया है। और ये दो मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। 50 ग्राम ये पोस्तो है, इसे हमने 2 घंटा के लगभग हमने फूलने के लिए रख दिया था ताकि ये जार में पिसा सके अच्छा से। और ये दो सूखी लाल मिर्च है, 4 हम लहसुन की कलियां ले रहे हैं, और 4 से 5 हम हरी मिर्च ले रहे हैं, और आधा छोटा चम्मच हमने कसूरी मेथी लिया है। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकती हैं। और आधा छोटा चम्मच हम गरम मसाला लेंगे, आधा छोटा चम्मच इसमें जीरा लेंगे, और आधा छोटा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर ले रहे हैं। इसमें ज़्यादा मसाले की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम आलू को एक क्यूब में काट लेंगे, पीसेस में इसको काट लेंगे। आलू को ज्यादा हमें पकाना नहीं है, खड़ा रखना है। इसी तरह करके हम सारा आलू काट लेते हैं। हमने सभी आलू को पीसेस में काट लिया है। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और इसमें 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम आलू डाल देंगे। आलू को हल्का लाल होने तक भूनेंगे। जब तक आलू भुना रहा है एक तरफ हम पोस्तो को पीस लेंगे। इसमें हम 2 हरी मिर्च लहसुन डाल देंगे, और इसका फाइन पेस्ट बनाना है। आलू जो है हल्के लाल हो गए हैं, अब उसको हम निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। हम इसको सरसों का तेल में बना रहे हैं। सरसों का तेल में बनाने से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम जीरा डाल देंगे, और साथ ही साथ ये सूखी मिर्च भी डाल देंगे। अब प्याज डाल देते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज भून गया है, अब इसमें जो आलू को हम फ्राई करके निकाले थे वो डाल देंगे। अब इसमें अब कुछ मसाले डालेंगे, जैसे लाल मिर्च पाउडर और नमक। नमक हम स्वाद के अनुसार देंगे, क्योंकि हमारा आलू पहले ही फ्राई हो गया है तो हमें इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें हम पोस्तो पिसा हुआ पेस्ट डालेंगे। देखिए हमने इसका फाइन पेस्ट तैयार कर दिया है। अब इसको हम डाल देते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे ताकि पोस्तो का जो कच्चापन है वो चला जाए। इसको भूनना है हमें। इसी तरह हमने अब जार में हम
पानी डालकर, इसी जार में पानी डालकर के हम इसमें डाल देते हैं। और जितना ग्रेवी हमें चाहिए, उतना ग्रेवी रखने के लिए उतना पानी डालना है, क्योंकि हमारा आलू तो पहले ही पक चुका है तो हमें ज्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं, इसलिए जितने ग्रेवी आपको चाहिए उतना ही पानी डालिए इसमें। अब इसमें हम गरम मसाला और दो हरी मिर्च डाल देंगे। अब इसमें कसूरी मेथी डाल करके इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और इसको धीमी आंच पर ढक करके हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। मेरी आलू पोस्तो की सब्जी बनके तैयार है। आप इसे रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार बनाकर जरूर देखें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।